गोपालगंज के अंबेडकर चौक से आई तस्वीरें लॉकडाउन को लेकर गोपालगंज पुलिस की सख्ती को बयां कर रही है। कहीं पुलिस ट्रक चालक से उठक बैठक करवा रही है तो कहीं ट्रक चालक सड़क पर मगरमच्छ की तरह रेंगता नजर आ रहा है। पुलिस बीच बीच में डंडे भी चलाती रही है। पुलिस और सरकारें लोगों को लॉकडाउन में घरों में ही सुरक्षित रहने की सलाह दे रही है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए क्या दोपहिया वाहन और क्या चार पहिया, पुलिस ने सभी की खैर ली। पुलिस ने बेवजह घूमने पर 102 वाहनों के चालान किए। आम लोग सब कुछ चेक भी कर रहे हैं, उल्लंघन यदि माल में आता है तो उसको फाइन करते हैं, जो कानूनी कार्रवाई होती है। गोपालगंज में पुलिस की सख्ती देखने को मिली। वहीं रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी से सीआरपीएफ की दरियादिली की तस्वीरें सामने आई है। यहां सीआरपीएफ के जवान नक्सल पहाड़ी क्षेत्र में एक गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं। यहां पर ये जवान ग्रामीणों को राशन, दवाइयां और साबुन बांट रहे हैं। यहां पर सीआरपीएफ के जवान ड्रोन कैमरे के माध्यम से जरूरतमंदों को ढूंढ रहे हैं और फिर उनके घर तक मदद पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन को में हमने सबसे पहले लोगों को घर घर जाकर उनके राशन पहुंचाने का हमने जिम्मा उठाया है। जितना संभव हो सके हम बच्चे, बुजुर्ग महिलाओं के को जो है कि राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस दरमियान हमने हैंड सैनिटाइजर और मास्क का भी हमने वितरण किया और लोगों से हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की अपील की। हमारे साथ जो है क्षेत्रीय थाना प्रभारी और मुखिया लोग भी हैं, जो कि उनका पूरा सहयोग है और आम जनमानस का भी इसमें पूरा सहयोग। कोरोना के खिलाफ जंग में सड़कों पर पसरी ये वीरानगी हथियार है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सड़कों पर छाई इस वीरानगी को तोड़ने निकल पड़ते हैं। इस महामारी को मात देने के लिए लॉकडाउन का पालन जरूरी है। इसीलिए जब लोग नहीं मानते हैं तो पुलिस को भी थोड़ी सी सख्ती दिखानी पड़ती है। जहां पुलिस सख्ती दिखा रही है तो सासाराम में सीआरपीएफ लोगों को खाना पहुंचा रही है। कोरोना को हराने के लिए सख्ती और मदद दोनों ही जरूरी है। गोपालगंज से सुनील कुमार तिवारी, सासाराम से मनोज कुमार सिंह, बिहार तक।